प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हो रहा है। को ही बदलने चले हैं साथियों। आज जेएमएम सरकार झारखंड के विकास में बड़ी बाधा बन गई है। कोई कल्पना कर सकता है, जल जंगल जमीन के नाम पर आदिवासियों से वोट लेने वाले लोग ऐसी खुली लूट करेंगे? आज प्रदेश सरकार में जमीन के दलालों की तूती बोल रही है। आप इनकी हिम्मत देखिए, इन्होंने गरीब आदिवासियों की जमीनों को लूटा, इन्होंने सेना तक की जमीन को नहीं छोड़ा। झारखंड में कोयले की खुली लूट चल रही है। ठेके पट्टे के नाम पर बालू की लूट हो रही है। जो खनिज झारखंड के विकास की पूंजी है, ये सरकार उसकी भी लूट लगी है। ये लोग गरीबों के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर योजनाएं तो निकालते हैं, लेकिन उसका पैसा भी खा जाते हैं। अब वो आवास योजना, मुख्यमंत्री मैया योजना, ये सब भ्रष्टाचार का ठिकाना बन गई है। प्रदेश सरकार के संरक्षण में, यहां पेपर लीक कराने वाले गिरोह चल रहे हैं। लाखों रुपये में एक एक पेपर बेचकर यहां के युवाओं का हक मारा जा रहा है। करोड़ों करोड़ों रुपये कमाए जा रहे हैं। ये पैसा उनके मालिकों तक ऊपर तक जाता है। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। मेरे नौजवान मित्र आज बहुत बड़ी मात्रा में यहां आए हैं। पेपर लीक ने उनकी जिंदगी को तबाह करके रखा है। क्या आज जो झारखंड में सरकार चल रही है, ये मेरे युवा भाई बहनों का भला कर सकती है क्या? ये आपका भला कर सकती है क्या? साथियों, केंद्र सरकार की योजनाओं में भी प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार करने से पीछे नहीं हट रही है। ये गरीब के राशन का पैसा डकार रहे हैं, ये गरीब के पानी का पैसा हड़प रहे हैं, जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अरे, हमारे देश में तो परंपरा रही है, पानी के लिए तो गरीब आदमी भी अपने घर के बाहर एक पानी का मटका रखता है, ताकि आने जाने वाला कोई राहगीर अगर वो पानी का पैसा है तो उसको पानी मिल जाए। गरीब आदमी भी पानी पिलाता है। ये सरकार जल जीवन मिशन में पानी के काम में भ्रष्टाचार कर रही है। भ्रष्टाचार का ऐसा खुला खेल, पैसे की ऐसी बंदरबांट यहां कांग्रेस के नेताओं के ठिकानों से सैकड़ों करोड़ बरामद होते हैं। यहां नेताओं के नौकरों के घरों से भी करोड़ों रुपये पकड़े जाते हैं। मैं इतने सालों मुख्यमंत्री रहा, इतने साल प्रधानमंत्री रहा, इतने सालों से सार्वजनिक जीवन में रहा, मैंने कभी अपनी आंखों से नोटों के ऐसे ढेर नहीं देखे जो झारखंड में चोरी किए हुए पैसे पकड़े जा रहे हैं। मैं वो ढेर टीवी पर देख रहा हूं। जैसे जेएमएम और कांग्रेस वाले झारखंड में घोटालों का मैराथन कराने में लगे हैं, मैंने तो सुना है
अब जब इनकी विदाई होने को है। तो झारखंड के हजारीबाग में प्रधानमंत्री मोदी, आप उन्हें सुन रहे थे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।